नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज। आइए रुख करते हैं लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण की पावन नगरी मथुरा की तरफ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को दो दिवसीय दौरे पर मथुरा पहुंचे हैं। यहां पर उन्होंने 208 करोड़ की 80 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस मौके पर मथुरा की सांसद हेमा मालिनी भी सीएम योगी के साथ मौजूद रही। इस दौरान सीएम योगी ने भाजपा के महासंपर्क अभियान के तहत जनसभा को भी संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने पीएम मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि 9 साल बेमिसाल और भारत हुआ खुशहाल, ये 9 वर्ष भारत के इतिहास में उपलब्धियों से भरे हैं। सीएम योगी ने कहा, अमेरिका में पीएम मोदी का जिस तरह से भव्य स्वागत हुआ वे अविस्मरणीय है। अमेरिका में शायद ही ऐसा कोई रहा हो जो पीएम मोदी से मिलने के लिए उतावला न दिखाई दे रहा हो। सीएम योगी ने कहा कि यह एक नए भारत की पहचान है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है। आपको बता दें कि पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार सीएम योगी शनिवार को 5 बजे मथुरा पहुंचे। यहां उन्होंने ब्रजवासियों को विकास की 80 परियोजनाओं का तोहफा दिया। इसमें 121 करोड़ रुपए की 41 परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जबकि 86 करोड़ रुपए की 39 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। आइए पीपीएन न्यूज के विशेष संवाददाता नवीन वर्मा की खास रिपोर्ट में देखते हैं और क्या कुछ कहा सीएम योगी ने मथुरा वासियों के लिए। भाइयों बहनों, 9 साल बेमिसाल और भारत हुआ खुशहाल, सचमुच ये 9 वर्ष भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास में उपलब्धियों से भरा पड़ा है और ये उपलब्धियां हर दिन हर प्रसंगों के माध्यम से प्रकरण के माध्यम से हम सबको देखने को मिलता है। कल आपने देखा होगा जब अमेरिकी सीनेट को प्रधानमंत्री मोदी जी संबोधित कर रहे थे, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा यानी दुनिया के सबसे बड़ी ताकतवर एक महाशक्ति के रूप में अमेरिका जाना जाता है और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वागत के लिए जो अमेरिकी सीनेट उतावला दिखाई दे रही थी, अमेरिका के अंदर जो उत्साह था, दुनिया का कोई ऐसा शख्स नहीं रहा होगा आर्थिक जगत का भी जो मोदी जी से मिलने के लिए उतावला न दिखाई देता रहा हो। भाइयों बहनों, यह है नए भारत की नई पहचान जो प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में 9 वर्षों के अंदर भारत ने अर्जित किया है। ये वैश्विक मंच पर भारत को मिल रहा है सम्मान, ये सामान्य सम्मान नहीं है, ये भारत की 140 करोड़ लोगों को मिल रहा सम्मान है और भारत के 140 करोड़ लोगों का सिर गौरव के साथ दुनिया के मंच पर उठाने का एक अवसर देता है।